आमे आसी पहुँचे फासीमाल पुकुड़ा अंचल पुकुड़ा अंचल वर्तमान हाथी उपद्रव देखा मिली लोक बाध राति तमाम एक गच्छ उपर मचा कर रोचार अंचल एपरी पखापाखि दस रु अधिक मचा देखा मिली आपण को चित्र प्रथम देखा चाहिए मचा देखा चाहिए आप देखु किपर भाव जड़े भाई गोटे मंचा उपर चढ़ी यहाँ हूँ मो हाथी मंचा हाथी में प्रत्येक दिन संध्या समय है से मंचा को आसती आती तमा हाथी हाथी जगती सका घर को जाती आप देखते उपरे अच्छी मंचार घर उपरे हाथी जगवाई प्रत्येक दिन यठार लोक मैंने आस गाँव अनेक लोक आसी था रात रही था रात रहा से सका घर को जाती घर को जाते सका ही घर को जाते कारण कहवाक गले जो हाथी बर्तमान धान पचवा को बसला पचवा समय बर्तमान हाथी उपद्रव देखा मिली से आम भाई को डाके भाई टे तौक आस अनुरोध करवा भाई को देखो भाई बर्तमान उपर तौक आसुँचे अनुरोध करें तौक आसपरी प्रकार आम सहित अच्छा स्थानीय ग्राम बासिंदा अच्छा सहित अधिक आलोचना करवा और जानवाक चाहिबा कौन समस्या अच्छी कहीं मंचा जगुचार समस्या कौन हाथी बर्तमान जो भाव में दंता हाथी कहतु साधारण हाथी प्रत्येक दिन आसुँचे प्रत्येक दिन आसी एकर एकर जमी फसल नष्ट कर दौरान जहाँ फल बाध्यपरी मचा करेक्षे आम सहित किसी अच्छा मानने ग्राम बासिंदा सहित अधिक आलोचना करवा और जानवाक चाहिए आज्ञा कौन कहे आप कता दिन है रोचन हाथी काण कण क्षति कर आसिक आज्ञा ये तो हूँ आर आम प्रतिदिन आसिक जगुचु मचा रोच छजार आसूँ छः बजे नु आसमु मचा के मचारे रहसु हाथी आए गाँव लोक फोन कर आसन खेतसु आप रात तमाम ये जगार मैं गच निछाटिया भाव में रोचान डर के मारूनी हाथी कैसे आसब ये करदेव नहीं डर नहीं लगे डर लगे नहीं तो निहाती भाव में आपण मैंने देखु कहते मऊसा किपर भाव में प्रत्येक वर्ष ये भाव में रात तमाम जगती रात सरला सका से घर को जाती कहीं रात्रि समय विशेषकर हाथी हाथी आसलापर अनेक जमी फसल धान फसल नष्ट कर दिखती आप देखुए किपर भाव निया जलुच्छी निया जाकि गच्छर रात तमाम चेता चे सारापर हाथी को जगी था हाथी जगिलापर से हाथी कौटे आस कौन कल हाथी जब आसी जाए तो समस्त खबर दिखते समस्ते आस स्थान पहुँचती और हाथी को किपर भाव में घोड़ाते प्रयास आरंभ करते से हीपर भाव आम सहित आज जो अच्छा सहित अधिक आलोचना करवा जानवाक चाहिए जो हाथी को से कत दिन है देखुं कौन समस्या अच्छी आज्ञा कौन आप देखुन हाथी सब वर्ष आज्ञा देखुच पूर्वा पाती दिन तुरते लाच बोले ये लगे जुगिक रोचु आम सकाल पाई हाथी आए सकाल पाई आदि नहीं आए बार बजा तक देखुचु भागे मचा सुन भागे जाऊ आपण कत वर्ष होता जुगुचन कारण दिन जानलु आज्ञा से जुगुचु आम हाँ से तार हम धर बाप जा मैंने जुगुले से मैंने सरला बोले हमारे मल्ती पड़ी यहाँ जुगुचु तो ये वर्ष हाथी केते परिमाण बेसी परिमाण क्षति कर हाथी आस धान हाँ एसुर का बेसिक तार मैंने खाई हाथी हमर आड़े हाँ दुई तीन थर उतरी गले नकनी से लगे खूब खूब तार क्षतिग्रस्त कर दे तो वन विभाग रू किसी साहय सहयोग मिली आपकी नौजन आज्ञा सेटा से दुई तीन हजार एंता मिलूचे लेखिकी नौ दुई तीन हजार से बोल मन कले दौ कौन कौन सामग्री जोगे दबा जो हाथी किसी सामग्री हाथी घोड़ा कि सामग्री दबा नहीं किसी दबा नहीं आज्ञा बम नहीं फटका नहीं किसी नहीं दबा कि लाइट भी नहीं दबा निजे निजे आम बम घिनिकी लाइट घिनिकी से खेदा जाऊे हम निहाती भाव से मत प्रकाश करते वन वन विभाग कौन से साहय करना ग्रामवासी को जहाँफल ग्रामवासी जीवन दर थे राति तमाम ये भाव में अनिद्रा होकर हाथी जगी था कहीं जो गोटे वर्षर हिं ये परिवार प्रतिपोषण होता है धान जो अमल होता है नहीं परिवार प्रतिपोषण करम सहित आज जन स्थानीय बासिंदा अच्छा सहित आलोचना करवा और जानवाक चाहिए कौन समस्या अच्छी कौन कहे आखुं आप कौन कह जोगुचन वन विभाग किसी सहयोग सहयोग करवानी हाथी के विभाग के नहीं देवर किसी हाँ मिलवार कथा नहीं देवर से जितक सब लाइक जुगुचु जितकी आम एक फसल नष्ट कर देला हाँ। हाँ। एक रो हमको किसी नहीं मिलवा तो आपन माने जोगुचन जोगुचन डर लगुचे के क्या परिवार तो मरी जी डर लगे थोड़ी हवा कहीं जितकी बचवा परिवार लगे नहीं बचले क्या करमा आप कह आज्ञा डर लगुचे क्या करुचे रात तमाम जोगुचे क्या हूँ आम पर तो जेनता गोटे व्यवस्था टे करमु आज्ञा किसी हूँ आम से भी गोटे महाप्रु है आम लगे
ତ ହାତୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବନ ବିଭାଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର କାନରେ ଚେତା ପଶୁ ନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ହେଉ ପଛେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଗ୍ରାମରେ ଜଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ କେଉଁଦିନ ଅସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜମି ଭିତରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଇ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହାତୀ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଗଛରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭୟାବହ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଡ଼ି କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସିକି ଖସେଇଦେବ, କେତେବେଳେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଗଛରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡର ଖାତିର ନକରି ନିଜର ଯେଉଁ ବୟସ ତମାମ ଏଇ ଧାନରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏକର ଏକ ଜମି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ଆସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କୁଚିନ୍ଦାରୁ କୁଚିଡ଼ା ଫାଶିମାଲ ଅଞ୍ଚଳ ପୁକୁଡ଼ାରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।